कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलना चाहिएगा जो भी मतलब यहाँ पे महिलाएं लोग आती हैं उनके बारे में? क्या सब अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, जो जिसको नहीं आता उसको बहुत अच्छा से सिखा देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग भी हो रहा है, योगा खत्म अभी हुआ है। हम 7 बजे में सुते थे, आराम से 7-8 बज जाता था। अब इतना आदत लग गया है कि 4 बजे उठ के चली आती। आदत लग गया, आदत लग गया है। अब के जब पार्क चौल टहलते रहिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। कैसा लगता है मैम योगा? सर बहुत बढ़िया लगता है। पहले हम डिप्रेशन में चल गए थे, डिप्रेशन में जैसे लगता था कि जैसे नहीं बचेंगे, इस टाइप का लगता था अनुभव। लेकिन करने से हमको ना बहुत रिलैक्स से जुड़ी है, एक दूसरे का हम लोग दुख सुख शेयर करते हैं, इससे और अच्छा लगता। योगा के माध्यम से हम लोग इतना घुल मिल गए हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव भी यहाँ नहीं है। हमारा इसमें ये है जिंदाबाद मैडम जी, जिंदाबाद। 5 साल से हम कोई एलोपैथिक का दवा नहीं खाए। मैं LIC की मरीज हूँ, मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा। 1 सप्ताह से आ रही हूँ लेकिन अभी मतलब फिलहाल कुछ ठीक है। मेरा आँख तो था जो बाएं तरफ फड़कता है और मैं अच्छा से बोल नहीं सकती थी, लेकिन 1 सप्ताह से आ रही हूँ तो कुछ मतलब बोलने का मतलब हुआ। हाँ, लेकिन बहुत दिन से मतलब लगता था क्या नहीं बोल पाएंगे और बोलते थे तो बहुत अपने आप मत देखिए तो लगता था कि नहीं, आपको पूरा हम बोल सकेंगे। धीरे धीरे सारा चीज सही सर। ये जो काम आप जो कर रहे हैं ना, हम दिल से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं। ये चीज से आपको पुण्य बहुत मिलेगा, क्योंकि इतना मतलब महिलाओं लोग को दुआ आपको लगेगी, आप बहुत ज्यादा बरकत। पुरुष जो है हमारे जो है एकदम योग कक्षा में नियमित आते हैं और नियमित योग करते हैं और लाभ लेते हैं। यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज मशीन को बनाया गया है और यहाँ पे सभी कोई भैया लोग आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पे मैम का एज आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मैम एक्सरसाइज कर रही हैं। पार्क के बारे में क्या कहना चाहिएगा? पार्क अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि 40 सारे उखड़े हुए हैं, महिला भी गिरती हैं, पुरुष भी गिरते हैं, इसमें हम भी गिरे। टाइल्स कमी है, दूसरा कमी, दूसरी तो ऐसे कोई कमी ऐसे कोई नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया यहाँ पर है, शाम के समय में चलता रहता है। क्या होता है कि जो झूला लगा हुआ है ये बच्चों के लिए है और एडल्ट्स आके इस पर सब तोड़ते हैं, अब ज्यादा एडल्ट्स रहते हैं। यानी ये गलत बात है, ये गलत बात है। एडल्ट्स आते हैं शाम को, उस पर सब कुछ झूला झूली करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं? आ चुके हैं मैकडोवल गोलंबर पार्क। बात किया जाए, टोटल 3 पार्क को बनाया गया है। चलिए क्या करके सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले हम पहला पार्क दिखाएंगे आप लोग को, उसके बाद आप लोग को दूसरा पार्क दिखाएंगे, देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को तीसरा पार्क दिखाएंगे। देखे करके सारा चीज दिखाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग को पार्क दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है और यहाँ पे सभी कोई आए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और तो और आप लोग को बता दे, देख लीजिए यहाँ पे सभी कोई एक्सरसाइज करते हैं। शाम के समय में आप लोग पानी का फुहारा देख सकते हैं, लेजर शो एक तरह से बोला जाता है। क्या क्या नापते हैं आप? शुगर, BP, यूरिक एसिड, हेमोग्लोबिन, सारा चीज देख लेते हैं यहीं पे। कहीं जांच घर में जाने का जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। जांच घर से सस्ता में आप देखें, सबसे सस्ता। जांच घर में वही आदमी इतना चीज कराएंगे तो हमारे ख्याल से 800-900 रुपया लग जाए। हमारे पास 150, आपके पास 150। तो जैसा कि दोस्तों गेट नंबर 1 आपको टूर करते हुए अब हम आप लोग को दिखाने वाले हैं गेट नंबर 2। चलिए अंदर चल के अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया गेट नंबर 2 का नजारा। चलिए अंदर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा नजारा आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देख लीजिए सारा चीज मतलब सूचना लिखा गया है, एक एक करके पूरा वीडियो को पढ़ लीजिएगा। टूर कराते हैं, जैसे ही थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ मतलब प्लांट्स लगाया गया है, काफी खूबसूरत सा लग रहा है।
और सुबह सुबह सभी कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। बात किया जाए, पार्क बहुत ही ज़्यादा स्पेस है और साफ सफाई का बात किया जाए, साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा सही है। चलिए टूर कराते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी थोड़ा धूप हो चुका है क्योंकि हम ही लेट से आए हैं, उसके कारण पार्क में भीड़ थोड़ा कम हो चुका है। अगर आप सुबह सुबह आइएगा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है और भारी मात्रा में सभी कोई आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों इतना अच्छा लग रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। बात किया जाए, बार बार हम एक ही चीज़ इसलिए बोल रहे हैं, साफ़ सफाई का, साफ सफाई बहुत ही अच्छा रखा गया है। आपको कोई भी कचरा नहीं देखने को मिलेगा, एकदम पूरा साफ सफाई पार्क आपको ये मिलने वाला है। और तो और बहुत ही ज़्यादा आदमी आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और चलिए दिखाते हैं आगे एक्सरसाइज पूरा मतलब करने वाला पूरा बनाया गया है, उन लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। इसमें आ रहे हैं लेकिन 6-7 महीने साल भर हो गया। कुछ फायदा हुआ कि नहीं सुबह एक्सरसाइज करने से? फायदा तो हो गया, मेरा पेट निकला हुआ सब दस गया, अब देख रहे हैं। अच्छा, पहले निकला हुआ था? हाँ, पहले थोड़ा सा निकला हुआ था। अच्छा। अब उससे हुआ कि ये सब पेट अंदर चला गया। और मान के चलिए इसके बाद आप लोग जॉब करते होंगे? जॉब नहीं, अब रिटायर कर गए। अच्छा, रिटायर कर गए, लेकिन फिर भी पूरा शरीर एनर्जेटिक दिन भर आता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई होता है कि मान के चलिए सुबह एक्सरसाइज नहीं करने से दिन भर थोड़ा आलस टाइप का लगता है? मैंने हम स्टेप 6000 स्टेप चलते हैं। अच्छा, बस वही कैटेरिया यहाँ से लेकर वहाँ तक 6000 पूरा हो जाता है। उतना से दिन भर मतलब एनर्जेटिक रहे, एनर्जी पूरा रहे और स्वस्थ रहते हैं। थकावट महसूस नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान में रखना है। थकावट हो रहा है इसका मतलब कोई गड़बड़ी है। अच्छा, थकावट नहीं हो रहा है तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए नहीं। और एक्सरसाइज करने से शरीर पूरा तरह से स्वस्थ रहता है, कोई तरह का कोई गैस नहीं होगा। जब गैस नहीं हुआ तो पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ध्यान देना है, होटल का खाना कम खाइए, मैदा का आइटम कम खाइए और सब ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग वही सब गलती करते हैं, तो देख लीजिए पेट निकल चुका है। लेकिन सर जी का बात सुन के लग रहा है हमें भी आना पड़ेगा पार्क। पार्क आना बहुत जरूरी है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भैया लोग डिप्स मार रहे हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। थोड़ा सा और आगे की ओर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज मशीन को बनाया गया है और यहाँ पे सभी कोई भैया लोग आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आइए कुछ फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे पार्क कैसा? बढ़िया एकदम। बात किया जाए, साफ सफाई का पूरा मेंटेन रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप कितना दिन से आते हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहिएगा मतलब जो भी व्यूअर लोग देख रहे हैं इस पार्क के बारे में? मॉर्निंग में सुबह में टहलने के लिए आइए। यहाँ पे ये चीज बन गया तो अच्छा है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छा है। आइए कुछ और फीडबैक हम लेते हैं। यहाँ पे मैम का एज आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मैम एक्सरसाइज कर रही हैं। पार्क के बारे में क्या कहना चाहिएगा? पार्क अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। बात किया जाए, ये खास करके मैनुअल के स्टेडियम के बगल में नहीं मिलता है कि पेड़ पौधा का हवा लगे सब। लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधा का भी हवा ले सकते हैं। और साफ सफाई का बात किया जाए तो साफ सफाई भी रहता है। पानी होने का सुविधा है कि नहीं पार्क? बहुत अच्छा, लैट्रिन बाथरूम सब है, यानी A to Z फैसिलिटी है। तो यहाँ पे आप कितना दिन से आते हैं? बहुत दिन से आते हैं। तो बात किया जाए, एक्सरसाइज करने से कुछ बदलाव हुआ है कि? बहुत कुछ, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस में दर्द वगैरह, हाथ में हाथ नहीं उठ रहा था, एक्सरसाइज करने से हाथ उठने लगा। यानी कहने का मतलब हाथ यहाँ पे एक्सरसाइज से शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है। तो आप भी लो दोस्तों आइए एक बार जरूर पार्क। सुबह में और ज्यादा भीड़ रहता है, हम भी लेट आए हैं इसके वजह से भीड़ थोड़ा कम। एक्सरसाइज भी तो जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं लोग एक्सरसाइज भी। और एक्सरसाइज का पूरा फ्री चार्ज है? फ्री चार्ज। तो ओवरऑल देख लीजिए ये पार्क का पूरा दृश्य है, सभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। वीडियो तो सब दिखा दीजिए। तो ये दोस्तों हो गया तीसरा पार्क, चलिए दिखाते हैं। बात किया जाए, यहाँ पे भी सभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भी पार्क का बहुत ही अच्छा खूबसूरती है। आप लोग आइए फ्रेंड और फैमिली के साथ और पार्क में एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हर चीज का सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं।
और यहाँ देखिए भैया पूरा योगा में पूरा मतलब लिंग है, और यहाँ पे भी सर जी पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम थोड़ा करके बताते हैं एक्सरसाइज। आगे दोस्तों आप लोग इस पे बैठ जाइएगा और देखिए 1 2 1 2 हर तरह का मशीनें लगाया गया है, आप लोग आइए एक्सरसाइज कीजिए। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पे आकर साइकिल भी चला सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा पार्क में फैसिलिटीज दिया गया है। और यहाँ का साफ सफाई हम देखे बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे अच्छा हमें लगा योगा, क्योंकि योगा पूरा निःशुल्क कराते हैं, बता रहे हैं योगा करने से शरीर पूरा स्वस्थ रहता है, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और ये हो गया ओवरऑल देखा जाए तो पार्क का व्यू, और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और ये देख लीजिए काफी ज्यादा इस पे अच्छा आप लोगों को लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मान के चलिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हेल्थ में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो आप लोग आइए और पूरा फैमिली के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए। आइए हम पार्क के बारे में कुछ जानते हैं, क्या कुछ कमी है, कुछ बता रहे थे सर। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि चाय सारे उखड़े हुए हैं, महिला भी गिरती हैं, पुरुष भी गिरते हैं, इसमें हम भी गिरे। अच्छा, और बच गए कि ये नहीं टूटा, हम लोग थे इनको बचा लिए हैं लोग, एज ज्यादा हो जाने की वजह से गिरने का सीन वाला जल्दी जो बोल रहे हैं। एक टाइल्स कमी है, दूसरा कमी, दूसरी तो ऐसे कोई कमी नहीं, कोई नहीं, ऐसे बहुत बढ़िया है यहाँ पर है। शाम के समय में चलता रहता है, क्या होता है कि जो झूला लगा हुआ है ये बच्चों के लिए है, और एडल्ट आके इस पर सब तोड़ते हैं, अब ज्यादा एडल्ट रहते हैं, यानी ये गलत बात है, ये गलत बात है। एडल्ट आते हैं शाम को, उस पर सब कुछ झूला झूली करते हैं, झूला बना बच्चों के लिए, और उसमें सब जवान लोग नफों से पुरा जाता है और झूलता है, उसे को मौका नहीं मिलता है, नतीजा की वो टूट गया झूला। दिखाइए वहाँ, दिखाइए। जैसा कि दोस्तों हम झूला दिखा देते हैं, यहाँ एक झूला टूटा हुआ है, और हम आप लोग को बता दे सर जी लोग का क्या नाम है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए झूला बनाया गया है, तो हम कृपया करके बोलेंगे वीडियो में भी छोटे बच्चे ही झूला पे बैठे, बड़े आदमी नहीं बैठे, क्योंकि हर चीज हर आदमी के लिए बनाया गया। यहाँ पर जो है सब ये बाकी वातावरण बहुत अच्छा है, हर तरह का है, उसमें कोई ये चीज मेंटेनेंस की काम, और साफ सफाई कैसा दिन में, दिन के टाइम में तो भले ना आते हो गए, लेकिन अगर आप शाम को अगर आएंगे तो शाम को आप महसूस करेंगे यहाँ पर कि ज्यादा बड़ा लोग ही आके अपना कसरत कुश्ती सब करते रहेंगे, बच्चा जो है ना मुंह देखता रहेगा सामने खड़ा होकर, इसको यहाँ बच्चा लोग को भी मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए, बच्चा कहीं भी है तो बच्चा वैसे सब। और राजेश जी जो है बहुत ध्यान रखते हैं इस पार्क का, ये हमारे ये यहाँ के केयर टेकर है, यही राजेश जी है। तो बच्चे आदमी बच्चे लोग जो झूला खेलते हैं तो क्या मतलब बड़े आदमी वही बच्चे लोग के झूला पे बैठते हैं तो उनको कुछ बोलते हैं आप नहीं? बोलने से क्या होता है, यहाँ देखिए लोकल इलाका है, ठीक है ना, अब हम कितने लोग सब वहाँ पे तो हम ड्यूटी करते नहीं न रहेंगे, हमारा तो ये तीन तीन पार्क का ड्यूटी है, तो वहाँ गए जब देखे उस तरह का लड़का रहा, उसको मना किया, फिर वहाँ से चल दिया। लेकिन ऑनर को बोलिएगा तीन पार्क है तो तीन आदमी रखने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग के लिए झूला बनाया गया है, उस पर एडल्ट क्यों बैठेंगे? वो बैठेंगे ठीक है ना, कम से एडल्ट को भी अपना सोच होना चाहिए कि ये बच्चे का झूला है, ठीक है ना। कोई भी अगर आप भी वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ एक पोस्टर साट दीजिए, पोस्टर साटा गया था लेकिन उसको कवार दिया, कवारने में क्या दिक्कत है, वहाँ देखिए वहाँ जेंट्स टॉयलेट लिखा हुआ था, ठीक है ना, उसको कवार सकता है लोग, तो उसको कवारने में कितना देर लगेगा, यानी एक तरह से देखा जाए तो मानसिकता की कमी है बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोग अब जो 50 साल की लेडीज आती हैं वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने वो भी झूलना झूलने लगती है। बात किया जाए साफ सफाई का, हम फीडबैक लिए, साफ सफाई बहुत ही अच्छा है, दिक्कत यही है बच्चे लोग के झूला पे बड़े आदमी बैठे, जब तक इस पर अगर सरकार ही अच्छी नहीं होगी, हाँ भाई चलो टिकट लगा दे या पास लगा दे, अगर पास लगा देते हैं या टिकट लगा देते हैं तो उस पर केयरफुल तो होगा ही, लोग उसी तरह का लोग आएंगे और जो समझेंगे, जो यहाँ अगल बगल के लोग हैं वो समझ। बात किया जाए शाम में कितना बजे से आदमी आना चालू हो जाता है?
शाम में 4-4:30 बजे इसके बाद से फुल काफी भीड़ हो जाती है। और रात्रि को कितना बजे तक भीड़ बजे तक रहती है? 8 बजे तक मतलब अपना वॉक करते हैं ना? 8 बजे तक उसको खाली करा दिया, बंद टाइम होता है अपना उसको। और मॉर्निंग में कितना बजे से पार्क खुल जाता है? 5 बजे से खुल जाती है। और कितना बजे तक? अभी देखिए 7:30-8 बजे तक तो भीड़ रहती है, उसके बाद फिर तो नॉर्मली हो जाता है। नॉर्मली हो जाता है। तो ये पार्क का दोस्तों टाइम टेबल हो गया। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और साफ सफाई देख लीजिए, बहुत ही सही साफ सफाई है। कि दोस्तों यहाँ पे योगा कराया जाता है। आइए थोड़ा हम फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे समझ जाइए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, आप लोग पोस्टर पे आप लोग पढ़ सकते हैं, निःशुल्क कराया जाता है योगा। थोड़ा सा आइए हम फीडबैक ले लेंगे। बात किया जाए सर, अभी योगा का क्या पार है? योगा से शरीर स्वस्थ रहता है। बात किया जाए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है? कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क, पूरा निःशुल्क। तो यहाँ पे किस किस टाइप का योगा कराया जाता है? योगा का जो होता है प्राणायाम, आसन वगैरह सब किया कराया था। आप लोग कितना दिन से आते हैं योगा करने के लिए? पिछले अगस्त से हुआ है, सबका करीब साल हो गया। तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं योगा करने? क्या चीज फायदा हुआ? किसी का मोटापा कम हुआ है, किसी का कमर का दर्द आराम हुआ, किसी का आदमी कहते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से मोटापा कम होता है, योगा से होता है कि नहीं? योगा से होता है। अगर डॉक्टर लोग वेट लॉस करने के लिए बोलेंगे तो मतलब योगा करने से पूरा वेट लॉस हो जाएगा? हाँ, योगा जो जिस मैंने टाइप का होता है वेट करने वाला, उससे कीजिएगा तो कम होगा ही। और बात किया जाए, एक क्वेश्चन और रहेगा, सुबह में कितना बजे से योगा स्टार्ट हो जाता है? 5:30 बजे से। नहीं, 5:30 में स्टार्ट होता है, 7:30 तक योगा चलता है जी। 2 घंटा नॉन स्टॉप, हर तरह का योगा सिखाया जाता है, प्राणायाम और योगासन दोनों होता है। तो फिर जो सर जी सिखाते हैं उनको मतलब कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं होता है, उनका सामाजिक स्वभावना में है कि सबको, सब लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, इसी हिसाब से। सर जी भी मतलब कहीं से आए होंगे? मतलब नहीं, लोकल ही है, मतलब अभी मतलब वो मतलब समाज सेवा कर, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, रामदेव महाराज से जुड़े हुए हैं। उनका भी हम इंटरव्यू ले लेते हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ योगा सीखे कैसा लगता है, एक बार सब कोई बोले? दोस्तों देख लीजिए, अगर अभी लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस पार्क का, हालांकि जल्दी कोई ये पार्क का ज्यादा बनाया कोई नहीं जी, ये पार्क का वीडियो कोई बनाया नहीं। हमें, हम भी सोचे क्योंकि हम भी बाजार समिति रहते हैं, क्यों ना इस चीज को दिखा दिया। जब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी मैम है, कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलना चाहिएगा जो भी मतलब यहाँ पे महिलाएं लोग आती हैं उनके बारे में? क्या सब अच्छा है, बहुत अच्छा, जो जिसको नहीं आता उसको बहुत अच्छा से सिखा देते हैं मैडम, सिखाती हैं। सर बहुत चीज सिखाए हम लोग को अभी तक, बहुत चीज दूर, जैसे बीपी मेरा बढ़ा हुआ था तो एक्सरसाइज करने से बीपी कम हुआ, डायबिटीज भी बढ़ा हुआ था हल्का फुल्का, वो भी कम हुआ, एकदम कंट्रोल पे आ गया, शरीर पूरा स्वस्थ जी, दिन भर से रस से। आप लोग सॉन्ग का भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह सॉन्ग का भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। जो भी महिलाओं लोग योगा करने आती हैं सभी को सॉन्ग गाती हैं और बहुत ही अच्छा लगा पार्क में आकर। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों। यही सर योगा कराते हैं, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मुकेश कुमार राय। बात किया जाए सर, कितना सालों से यहाँ सिखा रहे हैं? हम इस पार्क में 1 साल भर से सिखा रहे हैं, और इससे पहले हम लोग जो है दूसरे पार्क में करते थे। अच्छा, 5-6 साल से कर रहे हैं योगा हम लोग, लेकिन इस पार्क में 1 साल, 1 साल से कर रहे हैं क्योंकि नया नया पार्क बना है। हाँ, नया पार्क बना है इसलिए। हाँ, तो बात किया जाए सर, अभी तक कितना महिलाओं को आप सिखा चुके हैं योगा? 50 महिला को। अच्छा, महिला पुरुष दोनों? हाँ, दोनों। लेकिन योगा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है थोड़ा दर्शक लोगों को बता दें। योग करने से आपका जो है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो है आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, हाँ, योग से आप जो है दवा खाने से जो है आप आज स्वस्थ हो जाएंगे तो कल बीमार पड़ेगी, इसकी गारंटी है। लेकिन योग करने से आप जो है आज योग करते हैं तो कल आप जो है बीमार नहीं पड़ेंगे, इस बात की गारंटी रहती है। बात किया जाए योग का जो बात है, बहुत सारे डॉक्टर जो लोग लिखते हैं जिनको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो सीधे बोलते हैं वेट लॉस कीजिएगा तभी गैस का समस्या से छुटकारा पाइएगा, ये बात सही है कि नहीं?
वेट तो आपको जो है वेट तो मेन प्रॉब्लम है, सारी समय हाँ सारी समस्याओं का, हाँ सारी समस्याओं का जड़ आपका जो है शुगर हो गया, फैटी लीवर हो गया, यानी वेट लॉस होगा तभी जाके उसमें समाधान हो पाएगा। नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जो है सारी समस्याओं का जड़ जो है आपका मोटापा होता है, मोटापा भी जो है योग करने से हमारा मोटापा भी दूर होता है और सारी बीमारियां भी दूर होती है। आदमी अगर कंटिन्यूटी मतलब अगर आके योगा करेंगे तो कितना दिन में मतलब शरीर कम होने का चांस रहता है? सर एक महीना के अंदर, एक महीने में कुछ ना कुछ फायदा, हाँ कुछ ना कुछ फायदा आपको जो है एक से दो सप्ताह में दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन एक महीना में आपको पूर्ण रूप से जो है फायदा पड़ेगा। सभी कोई सुबह सुबह मान के चलिए 5 बजे आके टहल लेंगे आधा घंटा और मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने योगा पे आके बैठ जाएंगे और ज्यादा मतलब फायदा करेगा और एकदम फायदा करेगा। और यहाँ पे अभी लाइव सिंगिंग चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? नहीं ये लोग अपना जो है योग करने के बाद जो है अंत में जो है अपना लोग जो है मस्ती करने के लिए जो है कोई फंक्शन करना है इसीलिए अपना जो तैयारी कर रहे हैं ये लोग, अच्छा, मतलब प्रैक्टिस करने, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा मतलब थोड़ा अच्छा लगे क्योंकि सुबह सुबह, हाँ हाँ थोड़ा सा, हाँ सबका मनोरंजन भी हो जाए, हाँ दुनिया अगर टेंशन में इतना चल रहा है थोड़ा सा तो मुस्कुराहट चेहरा पे होना चाहिए, चेहरे मुस्कुराने से हाँ स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। उसी प्रकार ये है कि अगर आप किसी म्यूजिक सुन लेते हैं तब पर भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा गा रहे हैं, थोड़ा सा हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। बात किया जाए यहाँ पे सुबह से सभी कोई आते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, 5:30 से 7:30 हमारा योग क्लास चलता है, नियमित रूप से चलते हैं और चलते रहेगा। ठीक है यहाँ पे सभी कोई अपना म्यूजिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुना रहे हैं म्यूजिक, आप भी लोग एंजॉय कीजिए वीडियो, पूरा अच्छा आएगा। योगा का नींद, योगा करने से सबसे बड़ी बात है ऐसे जैसे आप योगा करके आप फुल डे वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा कि हम जो है एकदम थका हुआ है, ये नहीं, एकदम फ्रेशनेस महसूस होता है फुल डे। हमें दोस्तों यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, हम कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही प्यारा सा पार्क बनाया गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं समझ जाइए आदत लग जाता है, इतना अच्छा पार्क बनाया गया है। बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, जो आते हैं जो झूम के टहलते हैं लोग तो दिल से करते हैं, कोई जबरदस्ती कोई जोर नहीं, लोग इतना खुश रहते हैं। ये आज से नहीं एक साल से सब पुरानी है, सब आपको कुछ फायदा हुआ है कि नहीं जानते हैं? चलो हम 7 बजे ने सुते थे, आराम से 7-8 बज जाता था, अब इतना आदत लग गया है कि 4 बजे उठ के चली आती है। आदत लग गया, आदत लग गया है, अब क्या जाए पार्क चौड़ टहलते रहिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। कैसा लगता है मैम योगा? सर बहुत बढ़िया लगता है, पहले हम डिप्रेशन में चल गए थे, डिप्रेशन में जैसे लगता था कि जैसे नहीं बचेंगे इस टाइप का लगता था अनुभव, लेकिन करने से हमको ना बहुत रिलैक्स महसूस होता है, रात में नींद भी बढ़िया आता है। वैसा चीज नहीं सोचना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, सही से भोजन करना चाहिए। सर काट लीजिएगा, लगता है मान लिया जाए सक्सेस नहीं हुआ तो लगा थोड़ा सा, लेकिन अब एकदम रिलैक्स लगते हैं, हम ऐसे बिंदास खुश आदमी है, हाँ एकदम बहुत अच्छा। यहाँ पे आप आए, बहुत सारे घर पे रहने से कोई दोस्त बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पीले झूले बतियाए, अच्छा लगा, एक परिवार बन गया है, जो दिल से जुड़ी है, एक दूसरे का हम लोग दुख सुख शेयर करते हैं, इससे और अच्छा लगता है। योगा के माध्यम से हम लोग इतना घुल मिल गए हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव भी यहाँ नहीं है, सबसे बड़ा इसमें ये है, सही होना चाहिए। आजकल आदमी के अंदर दुख दर्द इतना रहता है, कोई को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आम मतलब यहाँ पे आकर आम मतलब अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। हम लाठी करते हैं, अरे हाँ तो जी जिंदाबाद मैडम जी जिंदाबाद। 5 साल से हम कोई एलोपैथिक का दवा नहीं खाए, मेरे घर में एक रुपया का दवा नहीं आता इस योगा के माध्यम से। मेरा माइग्रेन पेन था, मेरा इसमें दर्द था, इनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था जो कि मेरा 6 मंत्र हो गया, कोई नामो निशान नहीं है उसका, मेरे घर में 1 रुपया का दवा नहीं आता अभी तक, 5 साल हो गया। मैं 1 सप्ताह से ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, सर ने मुझे आज 4 दिन हुआ है सर्वाइकल का प्रॉब्लम का मुझे योगा बताया है, उससे मुझे हाथों में लगता है किसी भी चीज को मैं पकड़ सकती हूँ योगा करने की वजह से, इसलिए थैंक यू सर, आप लोग को भी थैंक यू, सर को थैंक यू, नमन नमन नमस्कार करती हूँ सभी को। और जैसे 1 साल से बिस्तर पे थे, इतना पेट का प्रॉब्लम, लेकिन हम 15 दिन ज्वाइन किए, 15 दिन में मेरा एकदम पेट का प्रॉब्लम गायब, इसीलिए हम तो सर को बहुत बहुत मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते, हम 1 साल से बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, यहाँ पे फीडबैक आप लोग देख के समझ सकते हैं,
और सर जो ये काम कर रहे हैं बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आज के जमाने में हर कोई चार्ज कर देते हैं, कोई चार्ज नहीं, पूरा फ्री में करते हैं और दो घंटा नियमित सेवा देते हैं, दो घंटा नियमित सेवा देते हैं, नहीं लेते। उद्देश्य है कि समाज को सेवा करना, स्वस्थ करना, समाज सेवा करना, बस ये चीज भी बहुत बड़ी बात होता है आज के जमाने में। ये हम लोग समाज सेवा करते हैं, बिना निःशुल्क करते हैं, करते रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगा, बहुत बड़ा चीज है। मैं बहुत विनम्र, मैं भी पैरालिसिस की मरीज हूँ, मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा, एक सप्ताह से आ रही हूँ लेकिन अभी मतलब फिलहाल कुछ ठीक है। मेरा आँख तो था जो बाएं तरफ फड़कता है और मैं अच्छा से बोल नहीं सकती थी, लेकिन एक सप्ताह से आ रही हूँ तो कुछ मतलब बोलने का मतलब हुआ। हाँ, लेकिन बहुत दिन से मतलब लगता था क्या नहीं बोल पाएंगे और बोलते थे तो बहुत अपने आप मत देखिए लगता था कि नहीं, आपको पूरा हम बोल सकेंगे, धीरे सारा चीज सही सर। ये जो काम आप जो कर रहे हैं ना, हम दिल से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं, ये चीज से आपको पुण्य बहुत मिलेगा, क्योंकि इतना मतलब महिलाओं लोगों को दुआ आपको लगेगी, आप बहुत ज्यादा बरकत पुरुष जो है हमारे जो है एकदम योग कक्षा में नियमित आते हैं और नियमित योग करते हैं और लाभ लेते हैं। चलिए इसी बात के साथ आज का जो है इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, धन्यवाद।